अरे देखो दीवानो, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। अरे देखो दीवानो, ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। तो भाई यही मांग मैं बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों से, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों से करना चाहूँगा कि भाई आप लोग ऐसा कोई काम ना करें जिससे भाई हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अपमान पूरी दुनिया में हो। आपके कर्मों से भैया हमारी सभ्यता का अपमान पूरी दुनिया में ना हो, जो कि भैया इस वक्त आदि पुरुष के कारण पूरी दुनिया में होता नजर आ रहा है। दोस्तों एक वक्त बॉलीवुड में ऐसा था कि भैया जब बॉलीवुड की फिल्में बनकर हम लोगों के सामने आती थी तो भैया उन फिल्मों को देखने के बाद दिल से ये आवाज निकलती थी उन फिल्मों को लेकर कि भाई बॉलीवुड के जो मेकर हैं, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अपनी धार्मिक सभ्यताओं का सम्मान बहुत ही बृहद रूप पर करते हैं और वो अपनी फिल्मों में इस बात का ध्यान हमेशा रखते हैं कि भैया उनके द्वारा बनाई जा रही फिल्मों की वजह से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान तो नहीं हो रहा है। लेकिन भाई इन दिनों तो अलग ही खेला बॉलीवुड में चल रहा है, जिसको देखने के बाद भैया बॉलीवुड के मेकरों से हम ये उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं कि भाई ये हमारी धार्मिक सभ्यताओं का सम्मान करेंगे और भाई ये इस बात का ध्यान अपनी फिल्मों में रखेंगे जिससे किसी की धार्मिक सभ्यताओं को भैया ठेस ना पहुंचे। भैया इन लोगों ने मन बना रखा है कि भैया हम तो करेंगे अपने मन की, आप चाहे कितनी भी बीन क्यों ना बजा लो। लेकिन भाई अब ऑडियंस की आंखें भी खुल चुकी है और भाई ऑडियंस जो है इनके कर्मों की सजा भैया सिनेमा घरों में जाकर भी दे रही है और भाई इनके फिल्मों को लेकर भी आवाज उठाकर कर रही है। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि भैया जब से आदि पुरुष की एंट्री हुई है बॉक्स ऑफिस पर और इस फिल्म को देखने के बाद जो एक माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसको देखने के बाद अब भैया ऐसे मेकरों की खैर नहीं है जो कि भाई हमारी धार्मिक सभ्यताओं का सम्मान अपनी फिल्मों में नहीं करते हैं। भाई आदि पुरुष में क्या देखने को मिला है पूरी दुनिया को, ये बात अब किसी से छुपी हुई नहीं है और इसको लेकर लगातार आवाज भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाई जा रही है और भाई इस आवाज को दरकिनार करते हुए भैया इस फिल्म के मेकर बहुत ही बेशर्मी से अपनी बातों का सफाई पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई हमने तो कोई गलती नहीं की है। भाई इस फिल्म के राइटर यानी कि मनोज मुंतशिर का एक इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, जिसको देखने के बाद मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि भैया इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। भाई इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि भाई हनुमान जी जो हैं वो भगवान नहीं थे, वो तो भक्त थे, उनको तो भगवान हम लोगों ने बना दिया है। अरे प्रभु कहाँ हो आप, वो अवतरित हुए थे प्रभु श्री राम के कर्मों को पूरा करने के लिए। अवतरित मतलब आप कुछ समझते हो, उनका अवतार हुआ था इस धरातल पर इसी काम को लेकर कि भैया उनको दो महत्वपूर्ण काम का पूरे करने थे मेरे भाई, पूरे करने थे। भैया उनका योगदान रामायण में भी रहा, उनका योगदान महाभारत में भी रहा, ये बात पूरी दुनिया जानती है, आप कैसे नहीं जाने प्रभु। अब आप जैसे लोग उनको भगवान माने या ना माने, आपके मानने ना मानने से हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन भाई आप जो ये कर्म कर रहे हो ना, आपके मुखारबिंदु से ये जो शब्द निकल रहे हैं ना, इसका हिसाब तो भैया यहीं पर हो जाएगा। पब्लिक आपसे सवाल तो पूछेगी ही, लेकिन आपके कर्मों का फल तो ऊपर वाला ही देगा कि भैया आप लोगों ने क्या किया इस फिल्म के साथ, इतनी बेशर्मी से कैसे आप लोग अपनी गलतियों को सही साबित करने की कोशिश कर रहे पूरी दुनिया के सामने ये कहते हुए कि भाई हनुमान जी तो कोई भगवान है नहीं, उनको तो भगवान हम लोगों ने बना दिया, वो तो भक्त थे। तो भैया वो भक्त किसके थे, प्रभु श्री राम के, उनका जन्म ही हुआ था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भैया उनको प्रभु श्री राम की भक्ति करनी थी और उनके सभी कार्यों को पूरा करके दिखाना था। अद्भुत हैं सर आप, और आपके इन्हीं कारणों की वजह से अब आपकी इस फिल्म को लेकर भैया ऑल इंडिया सीने वर्कर्स एसोसिएशन ने यह मांग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कर दी है कि इस फिल्म पर अविलंब बैन लगाया जाए सिनेमाघरों में भी और उसके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी। तो भाई क्या मांग की है
ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स यानी भैया AICWA ने, चलिए मैं आपको बताता हूँ छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आदि पुरुष को लेकर जो विवाद इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है वो अब थमने वाला नहीं है। इस फिल्म को लेकर जो मांग उठ रही है पूरे विश्व से कि भैया इस फिल्म को अविलंब बैन कर देना चाहिए, इस फिल्म की वजह से भाई हमारी मान्यताओं को बहुत ठेस पहुंची है। इस फिल्म के माध्यम से रामायण का गलत चित्रण पूरे विश्व के सामने हुआ है, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को लेकर भैया एक अलग ही तरह की भ्रांति पूरी दुनिया में फैल रही है। ऑल इंडिया सिनी वर्कर्स एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि आदि पुरुष की स्क्रीनिंग पर बैन की मांग करता है ये एसोसिएशन। यह फिल्म इसके डायलॉग्स भगवान श्री राम और हनुमान जी की छवि को धूमिल कर रहा है। आदि पुरुष फिल्म ने हिंदुओं और सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाया है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह करते हैं कि इस फिल्म के स्क्रीनिंग पर तुरंत प्रभाव के साथ रोक लगा दिया जाए और साथ ही आदि पुरुष की स्क्रीनिंग OTT पर भी नहीं होने देनी चाहिए। यानी कि भैया सिनेमा घरों में से तो इस फिल्म को उतरना ही चाहिए, उसके साथ भैया इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज नहीं होने देना चाहिए। ये मांग AICWA ने किया है, यानी कि भैया ऑल इंडिया सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन ने ये मांग की है हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी से कि भाई इस फिल्म पर अविलंब रोक लगा देनी चाहिए। तो भाई मनोज मुंतशिर सर, आप क्या कर रहे हो अपनी गलतियों को ढकने के लिए? आप तो भाई एक से बढ़कर एक ऐसी ऐसी बातें कह रहे हो जिसको सुनने के बाद तो भैया अब आपको लेकर दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि भैया आपको ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई और आपने इतने बड़े बड़े भैया प्रवचन कहाँ से तैयार कर लिए हैं अपने डायलॉग्स को सही करने के लिए कि जैसा आपने इंटरव्यू में ये बात कही है भैया जो डायलॉग आपने लिखा है इस फिल्म के लिए ये डायलॉग आपके नहीं है, कई बड़े बड़े संतों ने जब रामायण की गाथा पूरी दुनिया के सामने रखी है तो भैया उन्होंने ऐसे ही संवादों का इस्तेमाल किया था कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, लंका तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपके कर्मों की सजा जो है वो ये फिल्म भुगतने वाली है। और आने वाले दिनों में जब भी कोई धार्मिक फिल्म बनेगी ना तो भैया लोग उस फिल्मों को लेकर भैया पूरी तरह से सचेत पहले से ही हो जाएंगे कि भैया इस फिल्म के साथ भी वैसा ही कुछ तो नहीं हुआ है जो कि आदि पुरुष के साथ हुआ था। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारम जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बने अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।